कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे मैं सुबह से बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो इडली बनाई है बेटी के लिए। बेटी इडली ले जाएगी और नारियल की चटनी बनाई है, दही और नारियल की। तो साथ में मूँगफली भी ऐड करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दही और नारियल को डाली। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बेटी के लिए रख दूँगी इडली और चटनी। देन भैया के लिए कुछ बनाऊँगी अच्छा सा, क्योंकि उसको अलग ले जाना है। भैया को बिल्कुल भी इडली पसंद नहीं है, ज़रा भी पसंद नहीं है। तो कि एक बाइट भी खा ले, वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो डोसा ज़रूर खा लेता है, लेकिन इडली उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। सो यहाँ पे मैंने बेटी के लिए प्लेट लगा दी है और साथ में पतिदेव को भी दे देंगे, क्योंकि वो भी खा लेंगे। तो बेटी और पतिदेव एक ही प्लेट में खा लेंगे। देन यहाँ पे रख दे रही हूँ लंच बेटी का, और फटाफट से रख देती हूँ। तो थोड़ा सा इडली वगैरह जैसे कुछ अलग सा बनाती हूँ ना, तो फिर बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा रख देती हूँ, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह शेयर करके खाते हैं। तो शेयर करके खाते हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है ना। सो यहाँ पे मैंने जो पिंक कलर का आपको टिफ़िन बॉक्स दिख रहा है, उसमें मैंने चटनी रख दी है, और यहाँ पे रख दूँगी इडली। तो इसकी तीनों बॉक्सेस में मैं इडली ही रख दूँगी और कुछ नहीं रखूँगी। भैया के लिए बनाऊँगी कुछ और पराठा वगैरह, पराठा और सब्ज़ी, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि उसका मन था। इसलिए मैं आज दो दो चीज़ें बना रही हूँ, वरना नहीं बनाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी मकान पे आई थी, मैंने कहा फेस टू फेस पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। पानी चलाएंगे, और अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो जल्दी ही काम हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने बना बनाया घर लिया था, लेकिन बहुत ही घटिया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए फिर हम लोगों ने जो है तोड़वा के दोबारा से बनवाया। मीन्स जो दीवारें थीं जितनी ज़रूरत की वो नहीं तोड़वाई, और जितनी ठीक नहीं थी उनको तोड़वा दिया। जैसे यहाँ पे एक आंगन टाइप का कुछ था तो उसको भी तोड़वा दिया है, तो रूम एक जैसा हो गया है। बगल में किचन करवा दी है, तो ये सारा कुछ कर दिया है। और नहा धो के मैं बच्चों को नाश्ता बना के, बच्चे स्कूल चले गए हैं, सारा कुछ करके आई हूँ। कपड़े वगैरह धुल गए हैं, सारा कुछ हो गया। 8 बज गए हैं अभी, तो 8 बजे मैं यहाँ पे आ गई हूँ। थोड़ी देर रुकूँगी यहाँ पे 10-15 मिनट, और काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। देखते हैं कब से चालू होता है। इसके बाद फिर घर जाएंगे, पतिदेव को खाना बनाएंगे, फिर वो जाएंगे ऑफिस। सो चलो, मैं आप लोगों से फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ, है ना। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर, और अभी बनाऊंगी खाना। पूजा वगैरह में करके गई हुई थी, और ये वाली लिपस्टिक मैं कल ही खरीद के लाई हूँ। अच्छा कलर लग रहा है ना, क्योंकि वो वाली मेरी ख़त्म हो गई थी और मुझे दूसरी वाली चाहिए थी। तो मैंने कहा चेंज कलर लाते हैं, लेकिन वैसे थोड़ी सी है उसमें, ऐसा नहीं है कि पूरी ख़त्म हो गई, फिर भी मैं दूसरी। तो चलो मैं पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो इसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने के लिए मैं उड़द की दाल बनाऊंगी आज मैं, और साथ के साथ मैं मेरी जो है मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बातें करते जा रही थी मैं, इसलिए मैंने ब्लूटूथ लगा ली थी। देन यहाँ पे दाल चढ़ा दूंगी, और साथ में बनाऊंगी चने की भाजी। जैसे कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देख ही चुके होंगे कि मैं चने की और मेथी की दोनों की भाजी लेके आई थी, तो 2 दिन लगातार भाजियाँ हुई। लेकिन ठीक है, भाजी खाना अच्छी बात होती है, और सर्दियों में तो ये हरी सब्जियाँ आती हैं, तो ज़्यादा आयरन कैल्शियम सारा कुछ मिल जाता है, प्रोटीन। तो बस यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दूँगी, और भैया को भाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने वो कर दिया। यहाँ पर पता नहीं कुछ था तो मैं इसको ठीक निकाल रही थी, और यहाँ पे बस कपड़े से मैंने हटा दिया है। साथ में मैं यहाँ पे पानी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए, थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दूँगी उसमें, और नमक डाल दूँगी। तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी जो है भाजी भी बन जाएगी, साथ के साथ में जो एक्स्ट्रा जो है जैसे कि डिब्बे जो खाली होते जाते हैं उनको मैं धोती चली जाती हूँ। जैसे कि दाल को मैं सूखने के लिए डालने वाली हूँ काली उड़द की, क्योंकि थोड़ी ही बची है अभी, नई आ जाएगी। तो अभी तो आई नहीं है, लेकिन हाँ आ जाएगी। तो साथ में यहाँ पर मैं भाजी उठाने के लिए चली गई थी, मैंने कट करके डिब्बे में रखवा ली थी। खैर मुझे तो कट करना आता भी नहीं है, एक चाची है यहीं पर कॉलोनी में, उनसे मैंने बोल दिया था कि मेरी भाजी कट कर देना, तो बोली हाँ ठीक है मैं कट कर दूँगी।
तो वो आ गई थी भाजी काटने के लिए, और यहाँ पे बस मैंने मूंग की दाल डाल दी है। तो जब तक वो पक जाएगी अच्छे तरीके से, तब तक मैं अपना आटा लगा लूँगी और इन दोनों चीज़ों के लिए मसाला पीस के रख लूँगी, क्योंकि मसाला भी चाहिए होगा ना। जैसे काली उड़द की दाल बनाई है उसके लिए भी मसाला चाहिए होगा, और भाजी के लिए भी मसाला चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए मसाला चाहिए होगा। तो बस यहाँ पे मैं आटा इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी भाजी गिर भी गई थी, तो खैर पोछा लगा हुआ है तो यहाँ पे गंदा तो है नहीं, इसलिए मैं इसी में डाल दूँगी भाजी। जैसे कि गंदा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ नहीं उठानी चाहिए। और इसके बाद फिर मैं आज मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो आप लोगों के साथ में आज मैं दो दो चीज़ें वो कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मेरी दाल पक चुकी है। तड़का मैं नहीं लगाती हूँ उड़द की दाल में, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे अदरक लहसुन धनिया मिर्ची सारा कुछ पेस्ट बना के और फिर डाल देती हूँ इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी फटाफट से, तो चावल बन जाएगी। दैन में रोटियाँ बना लूँगी, तो रोटियाँ मैं कम बनाऊँगी, आटा मैंने ज़्यादा लगा लिया है। लेकिन मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, शाम में फिर बना लूँगी सिर्फ पतिदेव के लिए, और दो रोटियाँ अपने लिए बना लूँगी। तो शाम को फिर रोटी बनाऊँगी, तो शाम को तो थोड़ा सा खाना भी होता है, क्योंकि बच्चों के लिए भी चाहिए होता है। और फिर ऐसे भी होता है जैसे मैं एक गाय को रोटी देती हूँ, दो तीन कुत्ते आ जाते हैं तो उनको भी रोटी दे देती हूँ, तो सभी के लिए हो जाता है। मीन्स गाय को तो देनी ही चाहिए, फिर कुत्ते भी आ जाते हैं, अगर आशा से आ जाते हैं तो फिर उनको दे देती हूँ मैं, जैसे कि उनका कौन सा घर है बेचारों का। तो बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँ फटाफट से, बढ़िया गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। और पहली रोटी तो खैर वैसे ही हो ही जाती है, क्योंकि तवा अच्छे से ना हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर हो जाता है यहाँ पे। तो बस और यहाँ पे साथ के साथ मैं बात भी करते जा रही थी, काफ़ी लंबी बात चल रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबी बात चल रही है। और एक बात और मुझे आप लोगों से बोलनी है कि जो है कमेंट आते हैं तो प्लीज़ जो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिएगा, और अच्छे कमेंट किया कीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ने में भी अच्छे लगे और रिप्लाई करने में भी अच्छे लगे। मुझे जो है मजबूर होकर ब्लॉक ना करना पड़े आईडी को, या फिर मुझे कमेंट डिलीट ना करना पड़े, तो प्लीज़ जो है सोच समझ के वीडियो जो वो किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आपके घर में भी फैमिली में भी माँ बहन सब कोई होगा, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से बोल रही हूँ। सब लोग होंगे आपके घर में, माँ बहन बेटी पत्नी, तो उनके लिए भी आप लोग अच्छे से ही बात करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसे उठपटांग कमेंट करेंगे, खैर इतने उठपटांग तो नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे नहीं पसंद आए, तो बस मैं इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं गाय को रोटी देने चली गई थी, क्योंकि पहली रोटी गाय को दी जाती है, तो बस मैंने गाय को रोटी खिला दी, वो आ गई थी। और सुबह में ही आ जाती है, क्योंकि मेरे जो मकान मालिक हैं उनके यहाँ गाय पली हुई है, तो वो गाय लगा के छोड़ती हैं जैसे, तो वो मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं, फिर उनको रोटी देके बोल दो कि अब चले जाओ, तो वो चली भी जाती हैं। अब बात जैसे कि हम लोग इतने दिन हो गए रहते रहते तो पहचाने लगे हैं, और आटे को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तो बहुत ही अच्छे से रोटियाँ फूली फूली बनती हैं। तो आप लोग प्लीज़ दिल पर भी मत लीजिएगा, प्लीज़ सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, है ना। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँ, इसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो बस यहाँ पे इसके बाद आ गई हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए, तो फटाफट से कपड़े डाल दूँ, जो कि कपड़े मेरे रह गए हैं। इसके अलावा मेरा सारा काम हो चुका है, जैसे कि बर्तन वगैरह धुलना, तो थोड़े बहुत जो बर्तन मैं खाना खाऊंगी उसके रह जाएंगे, तो उनको बस धो लूँगी मैं, और इतना ही काम होता है मॉर्निंग का। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, क्योंकि सुबह से जब मैं 5 बजे से उठती हूँ तो 11 बजे तक 10 बजे तक जिस टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँ उस टाइम तक मैं काम में ही लगी रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बिल्कुल भी टाइम वो करूँ कि 2 मिनट के लिए बैठ जाऊँ, इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और सुबह से फुल स्पीड में जब उठती हूँ तो फटाफट घर के सारे काम कर लेती हूँ पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन 10-11 बजते बजते एनर्जी ख़त्म होने लगती है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे होता है कभी फेशियल वगैरह करना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ, तो देखते हैं मैं किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।